कहते हैं कि वादा करना और अपने वादे पर अमल करना दोनों अलग अलग बात है। लेकिन मनेंद्रगढ़ के एक विधायक हैं, उनका नाम डॉक्टर विनय जसवाल है। कहा जाता है कि वो जो कहते हैं वह करते हैं। चुनाव के दौरान उन्होंने एक वादा किया था हरदेव अलंकरण प्रतिभा सम्मान का। आइए जान लेते हैं कि यह सम्मान किसको दिया जाना था। चिरमिरी के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों एवं विधाओं में पारंगत व्यक्तियों, मेघावी छात्रों तथा प्रतिभावान युवाओं को देना था, जिनकी उपलब्धि उत्कृष्ट कार्यों ने चिरमिरी का नाम रोशन किया था। तो आज हसदेव अलंकरण प्रतिभा सम्मान से डॉक्टर विनय जसवाल ने उन्हें सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव शुक्ला, विपिन मिश्रा, महापौर कंचन जसवाल के साथ समस्त जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। डॉक्टर विनय जसवाल ने युवाओं को बधाई दी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक किया। कार्यक्रम आज हुआ, क्या कहेंगे और कितना सफल रहा इसका बताइएगा। देखिए, शुरू से हमारी ये मंशा रही है कि चिमरी में खास करके हर क्षेत्र के जो हमारे प्रतिभा हैं उनको एक अच्छा मंच मिले, उनको एक अच्छा सम्मान मिले। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने चुनाव के पहले भी हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में अगर आप देखेंगे तो उसका उल्लेख किया था कि जितनी भी प्रतिभाएं हैं और जिन भी अलग अलग क्षेत्रों में, वो व्यापार का क्षेत्र हो, वो पत्रकारिता का क्षेत्र हो, वो हमारे मेघावी बच्चों को आगे करने का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जो हमारे लोग हैं जो चिरमिरी में चिरमिरी का नाम रोशन कर रहे हैं और एक चिरमिरी के विकास में एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में आज ये हसदेव अलंकरण का कार्यक्रम था। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को हम बहुत पहले स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से ये थोड़ा सा लेट हुआ। लेकिन मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, पूरे जो हमारे ऑर्गेनाइजर थे, पूरे हमारे जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिए, उनको भी बहुत दिल से आप उनको बधाई देना चाहता हूँ। और इस तरह से निश्चित रूप से ये पहला कार्यक्रम हुआ है चिरमिरी में कि इतने सारे प्रतिभाओं को हमने एक सही मंच में एक उनका आदर किया, उनका मान किया, उनका सम्मान किया है। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ और ख़ास करके जो विभिन्न हमारे क्षेत्र के जो स्कूल थे और उन स्कूलों के जो बच्चों ने जो यहाँ रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, खास करके छत्तीसगढ़ी थीम में और देशभक्ति की थीम में जो बच्चों ने अपना प्रदर्शन किया, वो भी बहुत ही देखने लायक था, बहुत ही दर्शनीय था। मैं सभी को, उनके जो फैकल्टी के जो टीचर्स हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं, उनके सभी टीचर हैं, उनको भी बहुत दिल की गहराइयों से इस प्रस्तुति के लिए बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बच्चों को इतना अच्छा तैयार किया, और सभी को इसके लिए बहुत शुभकामनाएं बोलना चाहूँगा। रोशनी चैनल को लगातार देखते रहें और संदीप के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।